गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। सो आज हम बात करने जा रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल कि जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो बात करता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की। तो अगर हम बात करें डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की, तो सबसे इजीएस्ट एंड सबसे सिंपलेस्ट वे है डिवोर्स करने का डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का। ओरिजिनली अगर बात करें हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की, तो ओरिजिनली दिस सेक्शन वॉज नॉट इन द हिंदू मैरिज एक्ट, बट इसे बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है, बाद में इंसर्ट किया गया है बाय द अमेंडमेंट ऑफ 1976। सो अगर हम जनरली बात करें तो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का मतलब है कि जब दोनों पार्टीज जो है वो अग्री कर रही हैं और वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना चाहती हैं, तो तब दे कैन ऑप्ट डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसके जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एट द टाइम ऑफ द डिवोर्स अगर दोनों पार्टीज का अग्री होना डिवोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों पार्टीज अग्री कर रही हैं तो दे कैन ऑप्ट फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, बट अगर दोनों में से एक पार्टी अग्री नहीं कर रही है तो वो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट नहीं कर सकती। एंड अगर हम बात करें बाय अग्रिंग की, तो अग्री करने का मतलब ये नहीं है दैट दोनों पार्टीज डिवोर्स लेना चाहती हैं। दोनों पार्टीज डिवोर्स लेना चाहती हैं इट विल नॉट बी इनफ फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, बल्कि डिवोर्स के लिए जो भी टर्म्स होती हैं उन सब में भी अग्री करना उतना ही ज़रूरी है उन पार्टीज के लिए। लाइक मेंटेनेंस कितनी देनी है, कब देनी है और कितनी देनी है, एंड एलिमनी कितनी होगी, अगर उन दोनों के कोई चाइल्ड हैं तो उस चाइल्ड की कस्टडी किसके पास जाएगी, किसके पास नहीं जाएगी, एंड इन बाकी भी और जितनी भी टर्म्स, उन सब में भी उनका कंसेंसस होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, उन सब में भी उनका कंसेंट होना चाहिए। अगर वो सभी टर्म्स के लिए भी एक साथ अग्री करेंगे और डिवोर्स करने के लिए भी अग्री करेंगे, ओनली देन दे कैन फॉर डिवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट। तो इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स और भी हैं, लाइक द फर्स्ट वन इज दैट दे मस्ट हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। इट मीन्स कि जिस दिन वो पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं उससे एक साल पहले दे मस्ट बी लिविंग सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आज पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं तो आज से एक साल पहले वो अलग अलग रहते होने चाहिए। सो देयर वॉज अ केस ऑफ सुरेश देवी वर्सेज ओम प्रकाश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिविंग सेपरेटली का मतलब है दैट दे मस्ट नॉट बी लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ, वो एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह नहीं रहते होने चाहिए। लिविंग सेपरेटली का जगह से कोई भी लेना देना नहीं है, इवन अगर वो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, वो एज अ हस्बैंड और एज वाइफ नहीं रह रहे हैं, तो उसे लिविंग सेपरेटली ही माना जाएगा। तो अगर दोनों पार्टीज सेपरेटली रह रही हैं और उन दोनों की कोई भी इच्छा नहीं है मैरिटल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की, तो दे कैन ऑप्ट फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। एंड नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट पार्टीज मस्ट नॉट हैव बीन एबल टू लिव टुगेदर। फर्स्ट कंडीशन वाज कि वो सेपरेटली रहती होनी चाहिए, वो एक साथ नहीं रहती होनी चाहिए, एंड सेकेंडली कि वो एक साथ रहना भी नहीं चाहते, वो एक साथ नहीं रह सकते। सो इसी केस में दैट इज सुरेश देवी वर्सेज ओम प्रकाश, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि अगर कोई भी शादी इतनी ज़्यादा टूट चुकी है, इतनी ज़्यादा खत्म हो चुकी है कि उन दोनों की सुलह होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो इट मीन्स कि ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो चुकी है। हालांकि पार्टीज को ये चीज़ इस्टेब्लिश करने की या प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है दैट उनकी शादी टूट चुकी है, इवन द फैक्ट दे आर प्रेजेंटिंग द पिटिशन फॉर डिवोर्स, ये अपने आप में ही ये चीज़ प्रूफ कर देगी कि उन दोनों की शादी इतनी ज़्यादा टूटी हुई है दैट दे आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर। देन इसमें हमारे पास एक और पॉइंट है दैट वेदर द वेटिंग पीरियड ऑफ 6 months इज मैंडेटरी। तो अगर हम सेक्शन 13B को देखें तो इसमें 6 months का पीरियड दिया गया है जो कि दोनों पार्टीज को विच इज़ अ वेटिंग पीरियड फॉर बोथ द पार्टीज, जिसमें कि यह चीज़ देखी जाती है कि अगर उन दोनों के बीच में रिकनसाइलेशन हो जाए, उन दोनों के बीच में सुलह हो जाए, सो दैट ये डिवोर्स ना हो। तो यही क्वेश्चन अराइज हुआ था बहुत सारे केसेस में कि ये जो 6 months का वेटिंग पीरियड है ये एक मैंडेटरी है या फिर सिर्फ डायरेक्टरी है। सो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टेड जजमेंट साइंसेस में, सो हम इनमें से कुछ की बात करते हैं। तो सर फर्स्ट केसेस हितेश नरेंद्र जोशी वर्सेस जेसल हितेश जोशी। तो इसमें ये चीज़ हेल्प की गई थी कि ये जो 6 months का पीरियड है ये मैंडेटरी पीरियड है और इसे वेव ऑफ नहीं किया जा सकता है। इसका ऑब्जेक्ट है कि अगर दो पार्टीज हैं उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो रहा है, तो अगर कोई भी रिकनसाइलेशन की
उन दोनों में कोई भी पॉसिबिलिटी है तो वो रिकन्साइलेशन हो जाए। सो इसमें कोर्ट ने हल्ट किया था दैट ये पीरियड को वेव ऑफ नहीं किया जा सकता एंड इट्स अ मैंडेटरी पीरियड। सो नेक्स्ट केस इज अशोक वर्सेस रूपा। तो इस केस में ये चीज़ हेल्ड की गई थी कि कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, जिसमें वो इन द एक्सेप्शनल केस इस स्टेट्यूटरी पीरियड विच इज ऑफ 6 मंथ्स इसे वेव ऑफ कर सकता है। सो कोर्ट के पास पार है इस पीरियड को वेव ऑफ करने की अगर सर्कमस्टांसेस केस के डिमांड करें इस पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए। सो दिस वॉज आर कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। नेक्स्ट वी हैव जिसकी हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 14। सो सेक्शन 14 प्रोवाइड करती है कि कोई भी पर्सन कोर्ट में 1 साल तक मैरिज के पिटिशन को प्रेजेंट नहीं कर सकता। Means he must have to wait for 1 year for filing the petition in the court. For example, A की शादी 1 Jan 2021 में हुई है तो उसे 1 साल के पीरियड तक की वेट करनी पड़ेगी कोर्ट में डिवॉर्स की पिटिशन प्रेजेंट करने के लिए। मतलब he can file petition for that divorce in the court after 1 Jan 2022। However, इसमें प्रोविजन दी हुई है जिसमें कि कोर्ट इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, अगर कोर्ट को लगे कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तो उनमें उस पीरियड को वो वेव ऑफ करके डाइवोर्स के पिटिशन को सुन सकता है। अदरवाइज 1 साल तक का पीरियड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, 1 साल का पीरियड मैंडेटरी है डाइवोर्स के पिटिशन को प्रेजेंट करने के लिए आफ्टर मैरिज। सो नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 15 दैट व्हेन पर्सन कैन रीमैरी। तो सेक्शन 15 कहती है कि व्हेन अ मैरिज हैज़ बीन डिसॉल्व्ड बाय डिग्री ऑफ डिवोर्स एंड ईदर देयर इज नो राइट ऑफ अपील अगेंस्ट डिग्री एंड टाइम्स फोर और टाइम फॉर अपीलिंग हैज़ बीन एक्सपायर्ड विदाउट एन अपील हैज़ बीन प्रेजेंटेड और अपील हैज़ बीन प्रेजेंट बट हैज़ बीन डिसमिस्ड देन ईदर पार्टी कैन रीमैरी। सो इसमें कहा जाता है कि अगर मैरिज बाय डिवोर्स डिसॉल्व हो चुकी है तो या तो पर्सन के पास अपील का कोई राइट नहीं बचा। फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिसाइड हुआ केस, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह अपील चली गई तो अभी उसके पास राइट ऑफ अपील नहीं बचा है, देन द पर्सन कैन रीमैरी। और इस सेक्शन के अंदर जो अपील प्रेजेंट करने के लिए टाइम पीरियड दिया गया था, लिमिटेशन पीरियड दिया गया था, वो इलैप्स हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, तब भी वो पर्सन दोबारा शादी कर सकता है। या फिर अगर अपील प्रेजेंट की गई थी बट वो अपील को डिसमिस कर दिया गया है तब भी पर्सन जो है तो वो दोबारा शादी कर सकता है। तो दिस वाज आवर कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू गाइज़।